दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं रेलवे ग्रुप डे परीक्षा 2022 पर। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं 4 सितंबर थर्ड शिफ्ट। बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज का जो यह पेपर रखा गया है आप लोगों के समक्ष 4 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है रेलवे ग्रुप डे का। साइंस, जीएस और करेंट अफेयर्स की एक बेहतरीन श्रृंखला आप लोगों के समक्ष जा रही है और संपूर्ण एनालिसिस के साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं सभी को एनालाइज के द्वारा जो है आप लोगों के समक्ष प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए हम आपको उस पीडीएफ को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखा जा रहा है, आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है कि धातुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बिल्कुल आप लोगों के समक्ष एक धातु दी जा रही है, अगर उसमें से पूछा जा रहा है कि सही नहीं है तो बिल्कुल आप नहीं वाले पर सबसे पहले खास कर ध्यान देंगे, चूँकि नहीं वाला शब्द हमें दिखता नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। आपने देखा होगा अगर पिछले में कुछ पहले इसके एग्जाम दिए होंगे तो नहीं वाले शब्द पर प्लीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहां नहीं शब्द आए सबसे पहले तो आप उसे गोला कर दीजिएगा कि नहीं वाला हम कैसे पहचानेंगे, तो इसलिए नहीं वाले शब्द पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसका जो धातु होते हैं उसमें वह यह भंगुर होते हैं। ठीक है, इसमें भंगुरता पाई जाती है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रखे जा रहे हैं, धातु चमकदार होते हैं, यह ताप तथा विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, सबसे अधिक चालकता चांदी की होती है। अच्छा, एक चीज आप सभी को पता है, अगर सबसे अधिक तन्यता के बारे में पूछा जाए तो सबसे अधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है, तो आप बताएंगे सबसे अधिक धातु सोना, तन्यता जो है वो सोना में पाई जाता है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये अच्छे विद्युत के संवाहक भी होते हैं, चालकता चांदी की होती है और इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, यह नमनीय होते हैं और इसमें कहा जा रहा है साधारण रूप से धातु के ऑक्साइड की ही प्रकृति क्षारीय होती है। कुछ धातु के प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से और पूछा जा सकता है कि अम्लीय और क्षारीय दोनों धातु के गुण किसमें पाए जाते हैं, तो बिल्कुल आप इस फैक्ट को याद रखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि को। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, कितने नाम को आपके समक्ष शेयर किया जाए, तो फिलहाल के लिए आप मोटे तौर पर इतनी चीजें जानते रहिए। ठीक है, चलिए आगे लिखा जा रहा है 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है। बिल्कुल आपके समक्ष अगर देखा जाए तो यह बेहतरीन क्वेश्चन आगे आ रहा है। ठीक है, 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा, 2023 चल रहा है, 2026 का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा आप जानते रहिएगा, उसका आयोजन इटली में किया जाएगा। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस और फ्रांस के में प्रस्तावित है। ठीक है, 2024 कहां प्रस्तावित है, ग्रीष्मकालीन में ओलंपिक के फ्रांस के पेरिस शहर में प्रस्तावित है और 2023 आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। ठीक है, इतने फैक्ट को आप ये खेल से संबंधित जाने रहिए। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी पर्वत शिखर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची शिखर है। भैया अब इससे आसान तो क्वेश्चन और आपके समक्ष नहीं आ सकता है। बिल्कुल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पर्वत शिखर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ठीक है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जो सबसे तीसरा पर्वत शिखर है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे कंचनजंगा है। ठीक है, आगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, यह चीज आप जानते रहिएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है और भारत में प्रथम तथा विश्व में द्वितीय सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन या केटू, इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके समक्ष जा रहा है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र, थोड़ा सा टफ आपके बीच में आया है, हमें लगता है कि आपने इसे सुना नहीं होगा। फिलहाल के लिए आप जानते रहिए, जो चीजें नहीं सुने रहते हैं परीक्षा में वही चीजें आपके समक्ष समाहित की जाती हैं। ठीक है, नमक वगैरह और ये अगर बात किया जाए फिटकरी, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन चिली साल्ट पीटर का नाम आपने संभवतः नहीं सुना होगा। अगर आप एक केमिस्ट्री के अच्छे खासे जानकार हैं तो बिल्कुल इसका नाम आपने सुना होगा। तो फिलहाल के लिए हम ज्यादा बातें ना करते हुए चिली साल्ट पीटर का जो
रासायनिक सूत्र होता है वो NaNO3 होता है। इस रासायनिक नाम को आप रखिएगा याद, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट नॉर्वेजियन साल्टपीटर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट नॉर्वेजियन साल्टपीटर कहाँ पाया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्टपीटर कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्टपीटर कहा जाता है और H2SO4 आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ठीक है। किसे हम कह सकते हैं, चिली साल्टपीटर को, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है CuSO4 ब्लू विट्रियोल कहते हैं, किसे हम कहेंगे, हम चिली साल्टपीटर को कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष प्रोवाइड कर रहे हैं, आशा करते हैं इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष कहा जा रहा है, देखिए इसमें कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है, संविधान से क्वेश्चन उठाया गया। मैंने हर वीडियो में आपसे कहा है कि भैया आप संविधान को विशेष कर देख कर जाइए, ठीक है। चूंकि संविधान से 8 से 10 या कहा जाए लगभग 10 क्वेश्चंस हर शिफ्ट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका संविधान तैयार है तो वैसे भी आपको 10 नंबर एक देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से मिल सकता है। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है, आप कहेंगे अनुच्छेद 110 है और वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वित्त विधेयक कहां पेश किया जाता है, तो बिल्कुल आप सभी बताएंगे कि वित्त विधेयक जो होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं है लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय देता है और अनुच्छेद 112 बजट है और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 123 है तो आपको उसमें दिया रहेगा राष्ट्रपति का अध्यादेश है और अनुच्छेद 280 जो होता है वो उसमें जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है और अनुच्छेद 123 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होता है, ठीक है। आगे देखिए आप लोगों के समक्ष अगला क्वेश्चन, उच्च दाब, ठीक है। उच्च दाब पोषणीय शांत पेटियां जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है किस मध्य में स्थित है, ठीक है। 30 अंश एवं 35 अंश के बीच में स्थित है क्या पोषणीय शांत पेटियां, ठीक है, जिन्हें हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि किस पिंड का वेग, या इसका क्वेश्चन फिलहाल के लिए मुझे नहीं मिल पाया है इस वजह से इसे नहीं रखा गया। आगे कहा जा रहा है कि किसी तत्व की चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया। तो इसमें देखिए प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्ष में 18 और चतुर्थ कक्ष में आपके 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष, उत्तेजित भावनाओं के कारण कौन सी ग्रंथि बनती है। अब इससे आसान क्वेश्चन हमें तो नहीं लगता कि आपके बीच में फिर पूछा जाएगा, ठीक है। उत्तेजित भावनाओं के कारण कौन सी ग्रंथि बनती है, एड्रिनल ग्लैंड या जो है एड्रिनल ग्रंथि आप कह सकते हैं बनती है, ठीक है। यहां देखिए एड्रिनल ग्रंथि को हम लाडो और उडो हार्मोन्स कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, ठीक है। यह भी एक नंबर के पूछे जा सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो आप कहेंगे लीवर है। और सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को हम कह सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है, तो आप कहेंगे अग्नाशय है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो आप कहेंगे आवटू है, ठीक है। आगे आपसे देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लगभग सभी क्वेश्चंस को आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज वायर मिश्र धातु के का नाम होता है, ठीक है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज वायर जो होता है वो मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। निम्न में से गलनांक के कारण, आंसर जो होता है वो निम्न गलनांक के कारण होता है। भैया जो आपका फ्यूज का तार होता है उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इतना पतला तार होता है और आपके घरों की सप्लाई उसी पतले तार के माध्यम से होती है। आगे कहा जा रहा है फ्यूज शीशा और टिन का मिश्रण होता है। जो आपका फ्यूज का तार होता है, ठीक है, सॉरी फ्यूज होता है वह शीशा और टिन का मिश्रण होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये LED की बात नहीं हो रही है। आपने 10 रुपए वाला बल्ब देखा होगा, उस 10 रुपए
रुपए वाले बल्ब में जो चीज जलता है, जो पीला पीला होता है, जो हमें उजाला देता है, वह हमारा टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके आगे एग्जामों में। हीटर की कॉयल आयरन का तार किसका बना होता है? आप कहेंगे नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि नाइक्रोम में जो होता है उसका भी गलनांक बहुत हाई लेवल का पाया जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। अब इससे आसान, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखा है, अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। आप जब हमें लगता है कि 6-7 से इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के हम कह सकते हैं कि कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, और प्रोटीन का जो फैक्ट्री होता है वो राइबोसोम होता है, आत्महत्या की थैली राइबोसोम होती है, लाइसोसोम, और केमिकल फैक्ट्री लीवर होती है, और मास्टर ग्रंथि को जिसे हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कह सकते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन आपके तैयार हुए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन का निर्माण किया कि नहीं किया, आप कहेंगे बिल्कुल किया है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है। आपकी जो जंतु कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है उसमें जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है, तो इसमें सबसे बड़ा मुख्य अंतर होता है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और वहीं अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कोचीकल जलप्रपात है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कोचीकल जलप्रपात कर्नाटक के बराही नदी पर स्थित है, जोगया गरसोप्पा सराब की नदी कर्नाटक में है, और भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है, देखिए साइंस का क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ। और यहां देखिए एक क्वेश्चन फिलहाल के लिए छूट रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि किस तत्व को जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, किस तत्व को जल में डुबोकर रखा जाता है, तो आप कहेंगे फास्फोरस को। ठीक है, और यहां देखिए अगला कहा जा रहा है कि केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है सोडियम को। अच्छा, सोडियम को क्यों केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है इसमें ज्वलनशील मात्रा पाई जाती है। अभी अगर इसका हम अगर हम जल से इसको हम पार्टिसिपेट कराएं तो दोनों आपस में जल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सोडियम को जल से पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। और आगे आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक के तत्वों में कहा जाता है, और आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग संग्रह हैलोजन ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष, इनमें से कौन सा धातु है, नहीं अधातु है, यानी इनमें से कौन सा धातु है और ना ही वो अधातु है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका है, ना ही ये धातु है और ना ही ये अधातु है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है, तो आप कहेंगे एंगस्ट्रॉम है। और आगे आईआईटी बेंगलुरु में स्थापित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, देखिए यह क्वेश्चन आपके समक्ष रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी हमें लगता है कि इसके पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया था कि आईआईटी बेंगलुरु, ये नहीं पूछा गया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था और उस पीडीएफ में हमने इस क्वेश्चन को भी ऐड किया था। ठीक है, आगे आईआईटी बेंगलुरु में स्थापित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप कहेंगे जो है प्राम परवेश आई। और यहां देखिए आईआईटी रुड़की परम गंगा है, और आईआईटी गांधीनगर में स्थित सुपर कंप्यूटर परम अनंत है। ठीक है, हमने सभी क्वेश्चंस को आपके समक्ष प्रोवाइड किया, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक उम्मीद और हम आपसे करेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।